दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान होता है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो समझ नहीं पाता है, और हमेशा वो ऐसी चीज़ों के अंदर पैसा खर्च करता है जिसकी उसको आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं ना, इतने बाइक है, 5 बाइक है और एक मुझे पड़ा 75 में। आप बोलेंगे भाई ये क्या काम का है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये बॉक्स, ऐसे भी मेरे पास बहुत बॉक्स है छोटे छोटे जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ। क्या रखता हूँ, जैसे देखो ये केबल्स है, ठीक है, ये प्लास है और ये स्क्रू है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, सबके पास होती है। आपके कमरे में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों पर ऐसी चीज़ें भरी पड़ी होती है। आप कहाँ रखते हैं, आप एक बार देखिए, आप उसको कमरे किसी कोने में रख देते हैं, फिर क्या होता है, देखो ऐसे जंग आ जाता है। तो मेरा दोस्तों ऐसा बहुत नुकसान हो गया, और मुझे लिटरली इन बॉक्सों को देखो पता चला कि भाई मुझे तो ऐसा भाई करना ही होगा इन चीज़ों को रखने के लिए। तो ये बॉक्स दोस्तों मैंने मेले से खरीदे हूँ, एक 15 मुझे मिला है, लेकिन सोचे मैं 10 मेले में गया, मुझे एक ही मेले के अंदर ऐसे बॉक्स मिले। अगर आप ऐसा ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं अमेजोन से तो आप बाय कर सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 10-15 पीस, मैक्सिमम 50 कहते होंगे। तो ये किस चीज़ के दोस्तों, देखो ये किसी और चीज़ के बॉक्स थे, तो इन्होंने क्या हुआ, देखो यहाँ से घिसे हुए भी है, देखो तो उन्होंने क्या, शायद दुकानदारों ने फेंक दिया होगा, तो इन लोगों ने कबाड़ में लेकर बेच दिया। देखो ये नए बॉक्स नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लोगे तो बिल्कुल नए आएंगे, लेकिन मुझे जैसे मिले वैसे ठीक है, लेकिन आप नए खरीदने चाहे तो खरीद सकते हो। तो ऐसा ऑफर किया मैंने, और इसके अंदर रखने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं इसके अंदर ये रख देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। तो अभी मेरे पास ऐसे बॉक्स हो गए, तो मैं अलग अलग चीज़ें रखूँगा, यानी इसके अंदर मैं हार्डवेयर रखूँगा, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केबल्स हैं तो इसके अंदर मैं केबल्स रखूँगा, ठीक है, और जिस एक एक बॉक्स के अंदर मैं जैसे पेन ड्राइव वगैरह इसके अंदर ऐसे रखूँगा। तो ये 4 बॉक्स लाए, वैसे मैं 5 लाया था, एक मेरे घर वालों ने ले लिया था जिसके अंदर वो कुछ रख रहे थे। तो इस ऐसे में 4 बॉक्स लेकर आया और अलग अलग चीज़ें रखूँगा। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए पहली बात आपका सामान सिक्योर रहेगा, दूसरा फायदा ये कि बारिश के अंदर उसको जंग नहीं लगेगी। तो ऐसे अगर ये, वैसे तो मुझे और आवश्यकता है, थोड़ा बड़े वाले आवश्यकता है, ये देखो इतने बड़े नहीं दोस्तों, अब मेरा हाथ देखिए ये देखो, लेकिन आप हार्डवेयर की और मोबाइल की कोई चीज़ होती है ना, पुराने कवर वगैरह, केबल्स वगैरह, चार्जर वगैरह, उनको ये रख लेगा और पानी से बचा लेगा और जंग से बचा लेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक, यानी जहाँ मैंने रिसर्च किया, जो मुझे लिंक मिला वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और अनबॉक्सिंग संबंधी ऐसी वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।